सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, मोदी ने अपने 10 ईयर का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 ईयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटक के लोग इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था, लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही। युवाओं की, छात्रों की स्कॉलरशिप तक में कटौती हो रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की ओर से मिल रही 4000 रुपए बंद कर दिए गए हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है। पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है, इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है, 26 अप्रैल को देनी है।